बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके हूँ 5 मरले का घर है जिसकी लोकेशन जोटॉन लाहौर है। इसका फ्रंटल एलिवेशन देखें, स्पेनिश स्टाइल के साथ खूबसूरत इसका फ्रंटल एलिवेशन बनाया गया है। ये घर कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पर नहीं है। और इसका जो है आगे जाके इसकी प्राइस भी शेयर करेंगे, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इसकी अकोमोडेशन की बात करें तो 5 बेडरूम इसके घर के अंदर अवेलेबल हैं। और रोड देखें, फुली कारपेटेड रोड है। ये सामने एम्पोरियम मॉल है, एम्पोरियम मॉल के बिल्कुल करीब ये घर वाक़ है। खूबसूरत लोकेलिटी पे वाक़ है, इंतहाई मुनासिब प्राइस पे मिल रहा है, सॉलिड कंस्ट्रक्शन है। और इस घर की एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम बनाए गए हैं। नॉर्मली जो है वो जोहो टाउन के अंदर 1 बेडरूम होता है, लेकिन यहाँ पर 2 बेडरूम बनाए गए हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं घर के अंदर। यहाँ पर आपकी गैराज है, गैराज के अंदर आपकी बड़ी गाड़ी ईजीली खड़ी की जा सकती है। डबल यूनिट घर है और यहाँ से स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं, आप ईज़िली इसको रेंट आउट कर सकते हैं। ये गैराज है, गैराज के अंदर आपकी सीलिंग की गई है, इंतहाई खूबसूरत सीलिंग। ये डोर देखें, इंतहाई ज़बरदस्त जो है वो ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज का डोर है। और ये मेन एंट्रेंस, बड़े साइज़ में टाइल्स लगाई गई हैं। ये सामने कोशिश की गई है और सामने मीडिया वॉल आती है, वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, इंतहाई खूबसूरत वॉलपेपर। और ऊपर सीलिंग देखें, खूबसूरत रूप लाइट के साथ सीलिंग। ये सामने मीडिया वाल, खूबसूरत मीडिया वाल है। यहाँ पे आपकी बड़ी LED लग सकती है। और यहाँ पे शैंडलियर, इंतहाई खूबसूरत शैंडलियर रूप लाइट के साथ। इसके बाद हम चलते हैं ड्राइंग रूम के अंदर। ये सेपरेटर लगाए गए हैं, ड्राइंग रूम को सेपरेट किया गया है वुडवर्क के साथ। और ड्राइंग रूम के अंदर भी खूबसूरत शाइनी टाइल्स लगाई गई हैं। ये सामने विंडो है और इस साइड पे इंतहाई खूबसूरत वॉल बनाई गई है और इसके अंदर लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये सामने ड्राइंग रूम की सेपरेट एंट्रेंस है, अगर कोई गेस्ट वगैरह आपका आता है तो आप सेपरेट उसको अंदर ला सकते हैं। यहाँ पे ऊपर सीलिंग देखें, इंतहाई सॉलिड और डिसेंट डिज़ाइन बनाया गया है, सॉलिड कंस्ट्रक्शन की गई है। और ग्राउंड फ्लोर पर 2 बेडरूम मिल जाते हैं आपको और इंतहाई मुनासिब प्राइस पर ये घर अवेलेबल है। ये सामने देखें, खूबसूरत बेडरूम, बड़े साइज़ में टाइल्स हैं बेडरूम्स के अंदर। और यहाँ पे सामने निश है और निश के अंदर वॉलपेपर यूनिक और साथ जो है वो रूप लाइट की इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे ऊपर सीलिंग देखें, इंतहाई खूबसूरत सीलिंग है रूप लाइट के साथ सीलिंग। और न्यू डिज़ाइन में कबर्स बनाई गई हैं, इसके साथ अटैच वाशरूम है, इंतहाई खूबसूरत वाशरूम। ये सामने कमोड और टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे ऊपर सीलिंग आती है, इसके बाद यहाँ पे सामने वेंटी, इंतहाई खूबसूरत वेंटी है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड बेडरूम के अंदर। ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम मिलते हैं, तो साथ सेकंड बेडरूम, इंतहाई खूबसूरत टाइल्स के साथ। और यहाँ पे बड़े यूनिक स्टाइल में और बड़े डिफरेंट स्टाइल में जो है वो वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, खूबसूरत वॉलपेपर का इस्तेमाल। और इस सर पे कबर्स देखें, खूबसूरत कबर्स हैं, इंतहाई खूबसूरत कबर्स। यहाँ पे ऊपर सीलिंग है रूप लाइट के साथ सीलिंग, यहाँ पे कबर्स और इसके साथ अटैच वाशरूम, खूबसूरत टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये सामने वेंटी है, इंतहाई खूबसूरत वेंटी और कमोड टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे सेपरेट नहाने का जो सिस्टम है वो सेपरेट है। ये इसके बाद हम विज़िट करते हैं किचन। किचन के अंदर डोर देखें, इंतहाई खूबसूरत ग्लास वर्क और डबल जो है वो लगाया गया है डोर। यहाँ पे सामने स्टोव इंस्टॉल है और कबर्स बनाई गई हैं, खूबसूरत कबर्स, इलेक्ट्रिक हुड स्टोव इंस्टॉल है। ये सामने इंतहाई खूबसूरत अच्छे डिसेंट स्टाइल में किचन बनाया गया है, UV किचन है। यहाँ पे ऊपर सीलिंग देखें, रूफ लाइट के साथ सीलिंग। ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे जाके इसकी प्राइस भी शेयर करते हैं। यहाँ से हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो स्टेयर्स के अंदर ग्रेनाइट मार्बल और ब्लैक मार्बल लगाया गया है, स्टील वर्क किया गया है साथ। और ये सामने खूबसूरत वाल बनाई गई है, इंतहाई खूबसूरत वाल। ये फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं तो ये सामने वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, इंतहाई खूबसूरत वॉलपेपर। और इसके बाद यहाँ पे ये मेन एंट्रेंस है,
फर्स्ट फ्लोर की। यहाँ पे टीवी लाउंज आते हैं, तो यहाँ पे बड़े साइज़ में टाइल्स लगाए गए हैं। ये सामने मीडिया वॉल है, खूबसूरत वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, इंतहाई खूबसूरत वॉलपेपर। और सामने बड़ा ज़बरदस्त डिसेंट डिज़ाइन है। ऊपर सीलिंग देखें, इंतहाई खूबसूरत सीलिंग। फर्स्ट फ्लोर पर आपको 3 बेडरूम मिल जाते हैं। ये फर्स्ट बेडरूम है, खूबसूरत बड़े साइज़ में डोर्स लगाए गए हैं और साथ टाइल्स भी बड़े यूनिक स्टाइल में। ये सामने विंडो और इसके साथ वॉलपेपर, लेटेस्ट डिज़ाइन में वॉलपेपर है। और इस साइड पे कबर्ड्स हैं, खूबसूरत कबर्ड्स। निश बनाई गई है, निश के अंदर वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, साथ रूप लाइट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर सामने सीलिंग है, खूबसूरत रूप लाइट के साथ सीलिंग और फैंसी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। इंतहाई खूबसूरत बनाया गया घर को हर हवाले से। इसके साथ अटैच वाशरूम, खूबसूरत टाइल्स, बेसन लगाया गया है और इस साइड पे WC है टाइल्स के साथ। WC भी यूज़ की गई हैं और कमोड्स भी यूज़ की गई हैं, क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है WC की, कुछ की कमोड्स की होती है। और ये सामने किचन आता है, यहाँ पर ओपन किचन मिल जाता है आपको, इलेक्ट्रिक हुड और स्टोव इंस्टॉल है। इंतहाई खूबसूरत ग्रेनाइट मार्बल और लेटेस्ट ट्रेंड में कबर्ड्स हैं। ये सामने रूप लाइट वॉलपेपर का इंतहाई खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद ये सामने 2 बेडरूम है, ये सामने खूबसूरत टाइल्स और इसी तरह बेडरूम के अंदर जैसे नीचे बनाए गए हैं, हर बेडरूम्स के अंदर निश बनाई गई है और अच्छे डिसेंट तरीके से वॉलपेपर लगाए गए हैं और निश बनाई गई है। यहाँ पे ऊपर सीलिंग आती है, इंतहाई खूबसूरत रूप लाइट के साथ सीलिंग। इसके साथ अटैच वाशरूम, यहाँ पे सामने वेंटी और कमोड का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ये शावर एरिया है, यहाँ पे ऊपर सीलिंग। अभी हम चलते हैं थर्ड बेडरूम के अंदर। यहाँ पे सामने थर्ड बेडरूम है, खूबसूरत टाइल्स के साथ है, इंतहाई खूबसूरत टाइल्स। ये सामने विंडो है और इस साइड पे वॉलपेपर। यहाँ पे देखें कितने यूनिक स्टाइल में वॉलपेपर लगाए गए हैं पीछे भी, और निश के अंदर जो वॉलपेपर है वो भी बड़े यूनिक स्टाइल में। और यहाँ पे सामने कबर्ड्स, इंतहाई खूबसूरत डिसेंट स्टाइल में कबर्ड्स हैं। ऊपर सीलिंग देखें और इसके साथ अटैच वाशरूम है। यहाँ पर सामने वेंटी आती है और साथ कमोड आता है, खूबसूरत टाइल्स आती हैं। इंतहाई ज़बरदस्त जो है वो घर बनाया गया है। ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर, यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। आगे जाके इसकी प्राइस शेयर करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये यहाँ से हम चलते हैं 2nd फ्लोर के ऊपर। ये सामने लॉबी एरिया है, टेरेस है छोटा सा। और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं तो ग्रेनाइट और ब्लैक मार्बल लगाया गया है। ये फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पे ममटी आती है, ममटी। और इसके साथ यहाँ पे एक बेडरूम है, टोटल 6 बेडरूम है इस घर के अंदर। और यहाँ पे सामने वॉलपेपर और इसके साथ कबर्ड्स, इंतहाई खूबसूरत कबर्ड्स हैं। यहाँ पे अटैच वाशरूम, उसी तरह की खूबसूरत कमोड और वेंटी यहाँ पे भी लगाई गई है। नॉर्मली यहाँ पे जो है वो नॉर्मल चीज़ें लगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने अच्छी जो है वो लगाई हैं चीज़ें। और यहाँ पे छत है तो बड़े साइज में छत है। तो इसकी प्राइस की अगर बात करें तो मालिक ने इस घर की डिमांड की है इंतहाई मुनासब, 3 करोड़ 40 लाख रुपया। 3 करोड़ 40 लाख रुपया इस घर की डिमांड है। यहाँ पे आपको छोटा सा किचन भी मिल सकता है और ये आपका लॉन्ड्री एरिया के तौर पर यूज़ हो सकता है। 3 करोड़ 40 लाख रुपये इस घर की डिमांड है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर दिया गया है। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, शुक्रिया।